और बड़ी खबर बता दें आपको यूपी से आ रही है। बड़ा हादसा यूपी में हुआ जहां तेज रफ्तार बस ने 7 लोगों को कुचला। सड़क किनारे सो रहे थे ये लोग। भीषण हादसा हुआ है यूपी के बुलंदशहर में। तेज रफ्तार बस ने 7 लोगों को कुचला जो कि सो रहे थे सड़क किनारे। मौके पर ही सभी की मौत हो गई। इनमें 4 महिला और 3 मासूम बच्चे भी थे। इस हादसे के बाद बस चालक बस छोड़कर फरार हो गया। बेहद दुखद और बड़ा हादसा। मातम का माहौल इस समय बुलंदशहर में। रफ्तार के कहर ने 7 लोगों की जान ली। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। सड़क किनारे लोग सो रहे थे। तेज रफ्तार बस ने इन्हें कुचला। हादसे के बाद बस चालक बस छोड़कर फरार हो गया। गंगा घाट के पास सड़क किनारे ये 7 सो रहे थे। इनमें महिला और बच्चे शामिल थे। तेज रफ्तार बस ने इन्हें कुचल दिया। गंगा स्नान के लिए हाथरस से नारौरा घाट आए हुए थे श्रद्धालु। बस सड़क किनारे लगाने के बाद बच्चों के साथ सड़क किनारे ही सो रहे थे ये तमाम लोग। तभी तेज रफ्तार दूसरी बस ने इन सभी को रौंद दिया। बस चालक बस छोड़कर फरार हो गया। सीओ डिबाई समेत तमाम पुलिस बल इस समय मौके पर। बुलंदशहर के नारौरा गंगा घाट की घटना है। यात्रा करके आ रहे हैं वैष्णो देवी जम्मू से। हाथरस के आपको? हाँ, हाथरस के रहने वाले हैं। ये वो एक्सपायर हुए हैं। अच्छा, ये 7 हैं हाथरस खास। हाँ जी। तो ये जो एक्सपायर हुए हैं इनके नाम? नाम तो कंफर्म नहीं है। हम भी यात्री हैं, हमारी बस के यात्री हैं। हम भी दूसरी जगह के हैं। तो इसमें कितने हैं बच्चे? कितने हैं? 3 बच्चे हैं। एक 3 बच्चे हैं, 4 लेडी। दुखद हादसा। महिलाएं और बच्चे सो रहे थे गंगा स्नान के बाद, आराम कर रहे थे। तभी एक तेज रफ्तार बस ने इन्हें रौंद डाला। ताहिर सैफी जुड़ गए हैं। ताहिर, ये बड़ा दुखद हादसा बुलंदशहर में। देखिए बिल्कुल पूजा जी, इसमें कोई दोहराय नहीं है। एक भीषण हादसा जो है देखने को मिला है। जिला प्रशासन की लापरवाही अगर कही जाए तो सीधी सीधी तौर पर जो है सामने निकल कर आई है कि जहां हाथरस से एक श्रद्धालुओं को लेकर बस जो है नरोड़ा के जो है गंगा घाट पर पहुंची है ताकि सबों को जो है गंगा स्नान कराया जा सके। देर रात ये बस जब गंगा स्नान के लिए वहां पहुंचती है तो तभी बस में सवार सभी लोग नीचे सड़क के पास जो है आकर जो है सो जाते हैं। तभी एक तेज रफ्तार बस आती है और 7 लोगों को कुचल देती है। 3 मासूम बच्चे और 4 महिलाओं सहित 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। सूचना मिलते ही पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं और मृतकों के सबको कब्जे में लेकर जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। देखने वाली बात यह है कि दिल्ली NCR और बुलंदशहर में लगातार जो है एक के बाद एक तेज रफ्तार के चलते हादसे की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इन हादसों को रोकने में जिला प्रशासन पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। दूसरा बड़ा सवाल खड़ा होता है कि गंगा स्नान के लिए जब ये टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचे थे तो यहाँ पर पहले से 14 इंतजाम किए गए थे, क्योंकि ब्रज गंगा घाट के पास जो है पहले से पुलिस जो है इंतजाम करके रखती है ताकि कोई श्रद्धालु अगर गंगा स्नान के लिए आता है तो आसानी से वो गंगा स्नान कर वापस अपने घर की ओर लौट सके। लेकिन देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर कोई सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम नहीं किए गए थे, जिसके चलते दर्शक हादसा बुलंदशहर में जो है देखने को मिला है। बिल्कुल, प्रशासन की लापरवाही, बड़ा हादसा, 7 लोगों की जान गई। ताहिर, ये जो बच्चे थे, 3 बच्चे जिनकी जान गई है, उनकी उम्र क्या थी और ये मृतक कहाँ के रहने वाले थे? देखिए बिल्कुल पूजा जी, सभी लोग जो है हाथरस के रहने वाले बताए जा रहे हैं और जो मासूम बच्चे थे उनकी उम्र मात्र 4 वर्ष से 7 वर्ष के बीच की बताई जा रही है। 4 महिलाओं की भी जो है मौत हो गई है, इसके अलावा 3 पुरुष की मौत हुई है। टोटल 7 लोगों की यहाँ पर दर्दनाक मौत हो गई है, जिनमें से अलावा जो है 4 से 5 लोग ऐसे भी हैं जो मामूली तौर पर जो है घायल हो गए इससे बस की साइड लगने से। लेकिन गनीमत रही कि वो लोग बच गए, लेकिन ये 7 लोग मौत की गर्द में जो है समा गए। जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही के कारण अगर समय रहते जो है जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करता तेज रफ्तार से चलने वाले वाहन चालकों के खिलाफ तो हो सकता था कि इन 7 लोगों को जो है बचाया जा सकता था। इसके साथ ही अगर गंगा स्नान का उचित व्यवस्था जिला प्रशासन पहले से जो है गंगा स्नान करने आने वाले लोगों के लिए की होती तो इस तरीके का दर्दनाक हादसा बुलंदशहर वासियों को देखने के लिए नहीं मिलता। जाहिर सी बात है ताहिर, मातम होगा इस समय, लोग नाराज भी होंगे, परेशान भी होंगे और शायद हमेशा की तरह मुआवजे का मरहम लगाएगी सरकार और प्रशासन।
देखिए बिल्कुल पूजा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। राज्य सरकार ने जो है मुआवजा देने की जो है घोषणा जो है कर दी गई है सभी पीड़ितों को, लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या मुआवजे की राशि से जिन लोगों के परिवार जो है बिछड़ गए हैं, अपने परिवार के सदस्यों से जो लोग बिछड़ गए हैं, वो क्या मुआवजे की राशि उन परिवारों को जो है उनके परिवार को जो है वापिस कर पाएगी। दूसरा यहाँ सवाल खड़ा होता है कि क्या जिला प्रशासन को जब पहले से इसकी जानकारी थी तो जिला प्रशासन की तरफ से क्यों नहीं इंतजाम किए गए। हालांकि हादसा के बाद जो है पूरा माहौल जो है गमगीन यहाँ बना हुआ है, चारों तरफ चीख पर मची हुई है। जी पूजा जी, ये ताहिर ये हादसा कैसे हुआ? क्या रफ्तार बहुत तेज थी बस की, अंधेरा ज्यादा था, उसको नजर नहीं आया चालक को कि लोग सोए हुए हैं, या फिर जो श्रद्धालु थे वो सड़क के बीचों बीच सोए हुए थे? देखिए बिल्कुल पूजा जी, आपको बता दूं कि जो श्रद्धालु थे वो सड़क से कुछ दूरी पर जो है सोए हुए थे। लगभग बताया जा रहा है कि 10 से 15 मीटर की ये दूरी थी, जिसके बाद जो है वो लोग जो है सोए हुए थे। बस उनके पास ही जो है खड़ी हुई थी, लेकिन दूसरी बस जो तेज रफ्तार से आती है उसकी रफ्तार ज्यादा अधिक थी, और उस बस को बचाने के चक्कर में श्रद्धालुओं को ऊपर जो है सीधी बस जो है चढ़ा दी जाती है, जिसके चलते 3 मासूम बच्चों सहित 7 लोगों की जो है मौत हो जाती है। हालांकि बस चालक बस को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया, जिसकी तलाश जो है पुलिस के आला अधिकारी कर जो है कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। लेकिन घटना स्थल के बाद जो है घटना पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचते हैं और वारदात के बाद जो है कार्रवाई करने की बात करते हैं, जमीनी स्तर पर वो कार्रवाई नजर नहीं आती और इस तरीके के हादसे जो है देखने के लिए मिलते हैं। जी पूजा जी, जिस बस से एक्सीडेंट हुआ ताहिर, निजी बस थी सरकारी बस थी, चालक के बारे में कोई जानकारी मिल पाई? बस का मालिक कौन है, इसके बारे में कोई जानकारी? देखिए पुलिस के आला अधिकारियों से मेरी बात हुई है, पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि प्राइवेट ये बस थी जो कुछ लोगों को लेकर यहाँ से जो है गुजर रही थी, और जैसे ही तेज रफ्तार ये बस जो है यहाँ से निकलती होती है तभी श्रद्धालु इसकी चपेट में आ जाते हैं और 7 लोगों की मौत हो जाती है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि बस के मालिक का जो है पता कर लिया गया है, जल्दी जो इसका ड्राइवर है उसको जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि बस को सीज कर दिया गया, लेकिन बस के सीज करने से क्या जो परिवार के लोग जो है अपने परिवार से बिछड़ गए हैं वो वापिस आ पाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। शुक्रिया आपका ताहिर सैफी इस खबर पर जानकारी देने के लिए। बड़ा हादसा बुलंदशहर में।